मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है लो ऑफ प्रोडक्शन। तो लो ऑफ प्रोडक्शन का हम कुछ टॉपिक तो कर ही चुके थे, इसमें रिटर्न टू फैक्टर के बारे में हम तीनों पॉइंट, इसके घटते प्रतिफल, इंक्रीज वाला, डिक्रीज वाला और इक्वल, हम तीन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो जो डिमिनाइजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कौन सा है? रिटर्न टू फैक्टर की कुछ रीजन है वो देखते हैं। कोड ऑफ डिमिनाइज डिमिनाइज रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर मतलब कि घटते प्रतिफल, या हम ये कह रहे थे कारक के घटते प्रतिफल के कुछ रीजन, क्या कारक के घटते प्रतिफल के रीजन मिस कारण, क्या क्या कारण? तो इसे तीन कारण है। फर्स्ट क्या है? फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फिक्सिटी ऑफ ए फैक्टर, उत्पादन के स्वीकार फैक्टर, हिंदी में कहते हैं उत्पादन के स्थिर कारक। स्थिर कारक क्या होता है? तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि जब हम रिटर्न टू फैक्टर रूल लागू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है उसका कोई ना कोई फैक्टर फिक्स रहता है। ये नहीं कि सारे सारे इंक्रीज होते हैं, नहीं, रिटर्न टू फैक्टर में कोई एक फैक्टर तो इंक्रीज होता रहेगा और अदर फैक्टर क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। वेल, जब फैक्टर का जब स्थिर कारक पर जिन कारकों के साथ परिणत में लाया जाता है पर फिर कारकों की तुलना में उसका अनुपात कम हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? जो फैक्टर फिक्स रहता है जब उसका यूज वेरिएबल फैक्टर के साथ किया जाता है तो वेरिएबल फैक्टरों की कंपैरिजन में उसका रेशियो, फिक्स फैक्टर का रेशियो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेन फिक्स फैक्टर का यूज वेरिएबल फैक्टरों के साथ किया जाता है तो वेरिएबल फैक्टरों की कंपैरिजन में फिक्स फैक्टर का रेशियो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो वेरिएबल फैक्टर की अतिरिक्त इकाई को स्थिर कारक की अपेक्षा कम इकाई के साथ उत्पन्न करना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल फैक्टर की जो भी यूनिट होती है, इकाई जो भी यूनिट होती है वो एक फिक्स फैक्टर की कंपैरिजन में कम प्रोडक्शन करेगी। फिर यही कह रहा है कि इसमें जब हम फिक्सिटी ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर के साथ हमें फिक्स फैक्टर का यूज करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर की कंपैरिजन में फिक्स फैक्टर का रेशियो कम हो जाता है और वेरिएबल फैक्टर में किसी यूनिट का यूज किया जाता है तो उसका प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर की कंपैरिजन में कम होगा। बस और कुछ नहीं कहना। इम्परफेक्ट फैक्टर सबक्यूबिलिटी, अपूर्ण कारक स्थानापन्न, सेकंड पॉइंट। इम्परफेक्ट फैक्टर सबक्यूबिलिटी, 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 क्यूबिलिटी, ठीक है ना? इसका मतलब अपूर्ण कारक स्थानापन्न क्या होता है? अपूर्ण कारक स्थानापन्न, आई थिंक इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मतलब कि अपूर्ण कारक जो होगा उसका स्थानापन्न करना। ठीक है, क्या होता हम करते हैं, कोई इसमें इकोनॉमिक्स जो है वो कह रहा है, जिसमें अर्थशास्त्री है वो ये कह रहा है कि जो रोबिन्स नाम का पर्सन है, कोई लेडीज है, कि जब रिटर्न टू फैक्टर के नियम के लागू होने के कारण कारकों में पाई जाने वाली अपूर्ण स्थानापन्न होती है, मतलब कि जब हम रिटर्न टू फैक्टर का यूज करते हैं तो फैक्टर में जो रीजन पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है। जब हम रिटर्न टू फैक्टर में कोई फैक्टरी यूज करते हैं तो उसमें कुछ रीजन होते हैं, उसका क्या कारण होता है कि उसमें इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है। एक कारक के स्थान पर, एक फैक्टर के स्थान पर दूसरे फैक्टर का यूज नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है कि हमें भी पता है तो ज्यादा फैक्टर तो किसी एक फैक्टर को तो इंक्रीज किया जाता है और अदर फैक्टर को क्या करके फिक्स कर दिया जाता है, इसमें रिटर्न टू ए फैक्टर में जब वो फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, कंप्लीट कार्य कर लेता है तो अनदर फैक्टर यूज होता है। तो वो इसमें भी ये कह रहा है कि
एक वेक्टर के स्थान पर किसी दूसरे वेक्टर को पूरी तरह यूज नहीं किया जाता है। सो फिक्स फैक्टर का यूज अच्छे से होगा एंड उसी के स्थान पर किसी दूसरे फैक्टर का यूज नहीं किया जाएगा। मतलब जब फिक्स फैक्टर यूज वहां हो गया है तो अनदर फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर का यूज वहां हो गया है तो अनदर फैक्टर का यूज वहां पे नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे हम, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहां तक ही करवाए। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन कम संभा कार्बन की कम सामान्यता समझ में नहीं होता, एक दूसरे से अच्छा मेल मिलाप करना समझ में था, तो पार्टिकल कम समय समन्वय, सॉरी समन्वयता क्या होती है कि इसमें कार एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते, समन्वयता कोऑर्डिनेशन नहीं होती है कि मैं उसको कार दे रहा हूँ किसी और को दे रहा है, तो हमारी एक लाइन बन रही, चैन बन रही है कि मैं उसको दूर तभी वो आगे देगा अदरवाइज वो नहीं देगा, तो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। सो इसमें कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, लेप होता है, मतलब कि अभाव होता है। सो फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के जो निरंतर बढ़ते हुए यूज के कारण उनको क्या कहेंगे, आइडल फैक्टर रेशियो नहीं कह पाएंगे। मतलब कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं तो उनमें एक आइडल रेशियो नहीं हो पाते है। अगेन रिपीट, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज होने के कारण या इंक्रीज होने के प्रयोग के कारण, यूज के कारण उनमें आइडल फैक्टर रेशियो यूज नहीं हो पाता है। तो सीधा सा पॉइंट ये है कि जब जब फिक्स फैक्टर इंक्रीज होगा उसके साथ वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज होगा तो उनमें आइडल फैक्टर रेशियो नहीं पुट होगा, इसके फलस्वरूप वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर का कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इंक्रीज होते जाएंगे उनमें एक अच्छा मेल मिलाप नहीं होगा तो वो कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा, सिर्फ याद रख यही करना है बस। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, फिर से भी था कि फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर जब इंक्रीज होते जाते हैं रेगुलर इंक्रीज होने के कारण उनमें जो यूज होता है, रेगुलर इंक्रीज होते जा रहे हैं और उनके बाद प्रयोग होता जाएगा कुछ यूज होगा तो उनमें एक आइडल फैक्टर रेशियो यूज नहीं होगा, दोनों अगर रेगुलर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उनमें एक आइडल फैक्टर रेशियो पुट नहीं होगा, अगर वो आइडल रेशियो पुट नहीं होगा तो उनमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट फोर पॉइंट इसी का ही है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब कि परिवर्तित अनुपात का नियम, नियम क्या होता है, ये एक्चुअली टू मार्क्स में आ जाता है कि लो वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है। सो दैट कुछ जो अर्थशास्त्रीय इकोनॉमिक्स जो ऑपरेट है उनके अनुसार जो भी हमने तीन यूज किए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, इंपरफेक्ट एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, उनके स्थान पर क्या यूज किया जाता है, हमारा यूज किया जाता है लो वेरिएबल प्रोपोर्शंस यूज किया जाता है। जो भी हमने तीन अभी फैक्टर यूज किए हैं ना, सबसे पहला कौन सा है, फिक्स्ड इनकम वाला जो रीजन है, या फिर एवरेज थोड़े टोटल प्रोडक्ट एवरेज रेशियो एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट, इन तीनों के स्थान पर क्या यूज किया जाएगा, वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज किया जाएगा। ठीक है, उनके अनुसार अवकाल से जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उसमें परिवर्तित अनुपात यूज किया जाएगा या लागू किया जाएगा, कि जब शॉर्ट टाइम में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो वहां कौन सा मूल्य लागू होगा, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, जब शॉर्ट टाइम में किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है तो वहां कौन सा मूल्य लागू होगा, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन का। आई थिंक इसके बाद क्या है कि
फोर टाइम है, जब उत्पादन की एक कार्य की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है बाकी कार्य की मात्रा स्थिर रहती है तो कार्य का अनुपात बढ़कर हो जाता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब शोर टाइम है, शोर टाइम ही होता है कि शोर टाइम जब एक फैक्टर को इंक्रीज किया जाता है और सभी फैक्टरों को फिक्स कर दिया जाता है तो उनके रेशियो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर उनके फैक्टर के रेशियो में चेंजमेंट होता है तो उनकी प्रोडक्शन की विभिन्न जो मैनी रेट होती है, रेशियो रेट होती है, उनमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर उनके फैक्टर के प्रोडक्शन में चेंज होता है तो उनकी जो रेट दी होगी तो उनमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ आपने यहां तक ही करना है, उसी को क्या कहेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, कि शॉर्ट टाइम में वस्तु को किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल का यूज किया जाता है एंड इसमें किसी एक प्रोडक्ट को इंक्रीज किया जाता है और अनदर प्रोडक्ट को फिक्स कर दिया जाता है। और उनमें जो जब उनका जो रेशियो निकाला जाता है वो रेशियो कैसा होता है, चेंज होता है, परिवर्तन हुआ होता है। तो बस यही चीज ले रखते हैं। इसके बाद कुछ है नहीं, इसके जो रूल्स है, अजम्पशन है, वो आप अपने आप पढ़ लेना, इसमें देख रखते हैं। फिक्स प्रोपोर्शन टाइप, तो कि जो इसमें लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में फिक्स प्रोपोर्शन टाइप नहीं होता, इसमें वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप को यूज किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर की जितनी भी यूनिट्स है वो इक्वल होती है, इसमें सबका यूज एक एक करके किया जाता है, मतलब जितने भी वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो सबकी यूनिट्स मतलब इकाई इक्वल होती है और उनका यूज वन बाई वन किया जाता है। आई थिंक रिटर्न टू फैक्टर में ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर को इंक्रीज किया जाता है और सभी फैक्टर को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, इसके लिए प्रोडक्शन में इंक्रीज केवल वेरिएबल फैक्टर के कारण ही होती है। ये कह रहा है अगला पॉइंट कि जो उत्पादन होता है उसमें कुछ कारक स्थिर रहते हैं और इसके उत्पादन में जो भी वृद्धि होगी केवल वेरिएबल फैक्टर में वृद्धि के करके ही की जा सकती है। मतलब जब प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर फिक्स होंगे और उन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा तो वो इंक्रीज तभी होगा जब वेरिएबल फैक्टर को आप इंक्रीज करोगे। इसके अलावा जो प्रोडक्शन की टेक्निक होगी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा, जिसमें लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये कुछ चीजें थी जो बेसिक थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो मेरे से भाई मैसेज पूछ लेना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आप इसको कर लेना नियम के लाभ होने के कारण, ठीक है, जरूरी भी नहीं है। परिवर्तित प्रतिफल के नियम के लाभ होने के कारण क्या क्या होते हैं आप देख सकते हो, इंडिविजिबिलिटी ऑफ ए फैक्टर, कॉज ऑफ ए एप्लीकेशन ऑफ ए लॉ, इंडिविजिबिलिटी ऑफ ए फैक्टर। आई थिंक बढ़ते प्रतिफल के अवस्था के लाभ होने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन में कुछ कारक इंडिविजिबिलिट होती है, इसका यह है कि निश्चित सीमा तक उत्पादन के लिए उस कारक की कम से कम एक इकाई की आवश्यकता होगी। आप इसको पढ़ लेना, ईजी है, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद आ रहा है हमारा रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। नेक्स्ट पॉइंट, तो थोड़ा बेसिक बताऊंगा इसका और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कर लेंगे। रिटर्न टू स्केल क्या होती है, तो इस रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन लो टाइम के लिए किया जाता है, इसमें प्रोडक्शन रिटर्न टू स्केल है में, जो प्रोडक्शन होता है वो लो टाइम के लिए होता है, मतलब कि दीर्घकालीन के लिए। और इसमें ये नहीं है कि एक फैक्टर को इंक्रीज किया जाए और सारे फैक्टर को फिक्स कर दिया जाए, इसमें जितने भी फैक्टर होंगे सभी फैक्टर को एक साथ, सभी कारक को एक साथ लेके जाया जाएगा और उसी को क्या कहेंगे हम, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल रिलेट टू ए बिहेवियर
total output as in all unit are varied in the same proportion is a long run complete. आ गया ना, इसमें जितने भी हमारे फैक्टर हो गए उन सबको एक साथ एक ही रेशियो में आगे लेके जाया जाएगा. तो वही बात है कि एक के रेशियो में इक्वल रेशियो में लेके जाया जाएगा. इसमें फिर क्या कि पैमाने के प्रत्येक में समान सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पाद में होने वाले परिवर्तन से, मतलब कि अगर मैं इसको ये भी कहूँगी रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि इसमें जितने भी टोटल फैक्टर होते हैं उनमें जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी और उनमें जो चेंजमेंट होगा और टोटल प्रोडक्शन के प्रोडक्शन में जो चेंजमेंट होगा उससे होगा. अगेन रिपीट, जब जितने भी कारक होंगे जब उनको एक समान अनुपात में परिवर्तन किया जाएगा तो उसका कुल उत्पादन में परिवर्तन से जो संबंध होगा जो रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे रिटर्न टू ए स्केल. अगेन रिपीट, जब किसी भी प्रतिफल के टोटल कारक टोटल फैक्टर को इक्वल रेशियो में चेंज किया जाएगा आगे बढ़ाया जाएगा उसी के अनुसार टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे रिटर्न टू ए स्केल. इसके भी तीन ही नियम है. पहला नियम क्या है इंक्रीज रिटर्न टू स्केल. इंक्रीज रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब आपकी यूनिट क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसको हम क्या कहेंगे रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग. इसका मतलब ये होगा कि पैमाने भी बढ़ते पड़ते पैमाने के बढ़ते अच्छा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जितने फैक्टर हो गए उनको एक ही रेशियो में इंक्रीज किया जाएगा और उसके उनके प्रोडक्शन में जो इंक्रीजिंग होगी उसी को क्या कहेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए स्केल. हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाहता है कि उत्पादन की स्थिति को प्रकट करता है यदि और फैक्टर को निश्चित रेशियो में इंक्रीज किया जाए तो प्रोडक्शन में उससे अधिक रेशियो में इंक्रीज हो. मतलब कि आई थिंक रिटर्न टू ए फैक्टर टू इंक्रीजिंग में यदि और फैक्टर को इक्वल रेशियो में इंक्रीज किया जाए एंड उसके बाद आफ्टर दैट प्रोडक्शन में उससे अधिक रेशियो में इंक्रीजमेंट हो तो उसको क्या कहेंगे इंक्रीजिंग इक्वल टू ए फैक्टर. बस यही करना है. इसका एक एग्जांपल दे रखा है, अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं तो आप देख सकते हो ये दे दिया है. ये हमारा क्या है क्वांटिटी है, क्या है ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा फैक्टर है, क्या है फैक्टर है 10% 15% 20% 25% तो उससे अधिक प्रोडक्शन में जो रेशियो होगी वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे ही फैक्ट्री इंक्रीज होके होगा क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है ध्यान रखना उत्पादन की मात्रा. जैसे उत्पादन के कारक या सभी कारक बढ़ते एक समान अनुपात में तो उसके फलस्वरूप ही उत्पादन की मात्रा भी उसी अनुपात में अधिक बढ़ जाएगी. तो अगर ये 10% होगी कितना हो जाएगा 15 होगा. जैसे ही फैक्टर 15 होगा ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा. तो उसको हम क्या कहेंगे कि जब जब फैक्टर बढ़ेगा उससे अधिक प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा. तो आप इसको कर लेना तो प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना. इसके कुछ इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल दे रखा है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल दे रखा है, वो आप अपने आप करके देखना. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेगा. ओके मैं उनको करा दूंगा. मतलब कि इसके कुछ रीजन दे रखे हैं और इन्हीं रीजन को इसमें एक किफायत दे रखे. मतलब कि एक रिटर्न टू फैक्टर की इकोनॉमिक दे रखे हैं. टू टाइप की होती है इकोनॉमिक्स,
और वो इकोनॉमिक्स को टाइप कौन के लिए, एक इंटरनल इकोनॉमिक्स एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, इसको एक बार करके देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। लो प्रोडक्शन में तो टू पॉइंट्स है, एक तो है कंट्रोल फैक्टर, एक तो एक दूसरा है कंट्रोल स्केल। तो इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से एक्सप्लेन और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। आता है बड़े मार्क्स में, छह नंबर में, चार नंबर में कभी क्वेश्चन आता है, तो प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। अब आगे जो बचा हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसके जो मैं दो पॉइंट आपको देके जा रहा हूँ कि पैमाने की बढ़ती प्रतिभा के कुछ रीजन है, इसको आप करना आराम से, इन लोगों को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना। ओके okay?